स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब के साथ में सब्सक्राइब भी कर। चलिए स्टार्ट। बाइडेन जैसे एक बीमार इनकम्पिटेंट पर्सनैलिटी को 4 साल तक अमेरिका अपने राष्ट्रपति की फॉर्म में झेल सकता है, तो माफ कीजिएगा उस देश के लोगों के ऊपर मुझे शक होता है कि वेदर रियली दे आर स्मार्ट पीपल और नॉट। सर, हैरिस बने या ट्रंप बने, रिलेशंस कहां जाने वाले हैं इंडिया और अमेरिका? अजय बंगा आज छोड़ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या? आप माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा? आपका गूगल कौन चलाएगा? आपकी पेप्सी कौन चलाएगा? आपका फेडएक्स कौन चलाएगा? तो बेसिकली ये होगा कि पॉलिसीज तो सिमिलर रहेंगे, लेकिन बात करने का ढंग जरा मतलब बहुत याराना रहेगा ट्रंप के साथ मोदी का। मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है, हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो, और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि हिजर से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स झेली हैं। पहली बार ट्रूली ट्रू फॉर्म में हिंदू गवर्नमेंट आई है, ट्रू फॉर्म में, जो सिर्फ कुछ कर नहीं रही हिंदुओं के लिए, उनको बस रिस्पेक्ट कर रही है। प्रैक्टिसिंग हिंदू, उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसका उसके उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी, येल से ला स्कूल से पढ़ी है, येल से। उसके पेरेंट्स बहुत दोनों प्रोफेसर हैं। इंडिया है ना, हम जो मर्जी कह ले, हम एक नारे लगा सकते हैं, हम तराने सिर्फ लॉन्च कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। अगर उनकी जीडीपी देखे तो हमसे वो बहुत ऊपर हैं। मैं हमेशा ये पूछता हूँ, हम लोग तो यहाँ आते हैं लूटे फूटे, देखें कहीं से भाग जान बचा के भागना, पॉलिटिकल असाइली होना एक अलग चीज होती है, कहीं पढ़ के आना, वीजे लेकर आना। नमस्कार दोस्तों, अब ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना बिल्कुल तय है, और ये देख के पाकिस्तानी थोड़े से परेशान है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ट्रंप जो है अब इनके अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, और जिस तरह से इनको सपोर्ट मिल रहा था बाइडन से या फिर डेमोक्रेट से, वो अब नहीं मिलेगा। मोदी जी के साथ जो ट्विनिंग है ट्रंप की, वो भी बिल्कुल हम जानते ही हैं, काफी क्लोज है, और ये माना जा रहा है कि भाई ट्रंप के साथ जो मोदी जी की दोस्ती है, उसकी वजह से अब अमेरिका से ज्यादा सपोर्ट रहेगा भारत के लिए, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज हो या वो चीन से रिलेटेड इश्यूज हो। यही वजह है कि ट्रंप के आने से चीन और पाकिस्तान दोनों ही परेशान है। पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब इस सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई ट्रंप के आने से भारत को फायदा होगा? आपके जो भी विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब आ जाते हैं इस कैंपेन के अंदर ये बताया जा रहा है कि कभी ट्रंप आगे हो गया, कभी कमला हैरिस आगे हो गई। मुझे ये चीज अब तक समझ में नहीं आई कि कौन सी चीजें ट्रंप के अगेंस्ट जा रही हैं और कौन सी चीजें कमला हैरिस के फेवर में जा रही है। कमला हैरिस या बाइडन ने कौन सा ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिया? अगर कमला हैरिस जैसी एक इनकम्पिटेंट लेडी को, और उससे पहले बाइडन जैसे एक बीमार इनकम्पिटेंट पर्सनैलिटी को 4 साल तक अमेरिका अपने राष्ट्रपति की फॉर्म में झेल सकता है, तो माफ कीजिएगा उस देश के लोगों के ऊपर मुझे शक होता है कि वेदर रियली दे आर स्मार्ट पीपल और नॉट। भाई सीधी सी बात है, मुझे इतना सा बता दीजिए ना कि वो आदमी या वो ग्रुप स्मार्ट कैसे हो सकता है जो अपने एक राष्ट्रपति को ये नहीं समझ पा रहा कि वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसे डायरेक्शंस नहीं पता, वो अंधा भी है या देख भी पा रहा है यही नहीं पता चल रहा। इधर से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स झेली हैं। पहली बार ट्रूली ट्रू फॉर्म में हिंदू गवर्नमेंट आई है, ट्रू फॉर्म में, जो सिर्फ कुछ कर नहीं रही हिंदुओं के लिए, उनको बस रिस्पेक्ट कर रही। वरना आज से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट्स भी होती थी, वो हिंदुओं को रिस्पेक्ट थोड़ा ना करती थी, वो इंसल्ट करती थी, हर कदम पे इंसल्ट करती थी, कोर्ट में जाके कहती थी राम कोई नहीं होता, राम था ही नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट कहती थी। हिंदू मेजोरिटी कंट्री में हिंदूज की बिलीफ सिस्टम को के ऊपर कांग्रेस कह रही है कि राम इज हाइपोथेटिकल, वो भी एफिडेविट रिसेंटली शायद कहा था सोनिया गांधी ने, 2007, 2008 या 2009 का मामला है,
रिसेंटली तो वो डिस्कशन में रहता है, लेकिन 789 का मामला है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोर्ट में कहा था कि राम इज हाइपोथेटिकल। सोचकर देखिए तो हम क्यों ना कहें कि हमारी जो कल्चर है उसको मानने वाली पहली बार गवर्नमेंट, इंडिया के ऊपर रूल करने वाली गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेट आफ्टर 1000 ईयर्स आई है। पूरे में भी एक इंडियन कनेक्शन इसमें भी एक नजर आ रहा है। आज इंडिया मैं बल्कि सुबह आपको पता है जो मेरी एसोसिएशन दोस्तियां तो बहुत ज्यादा है भारत के अंदर, सुबह से मेरी आज भी मुबारकबादें आ रही हैं, दे रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सुबह कल बल्कि एक जगह इंटरव्यू दिया, वहां भी मैंने मुबारकबाद दी उनको कि देखें जी। और उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसका उसके उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी, येल से लास्ट कौन से पढ़ी है, येल से। उसके पेरेंट्स बहुत दोनों प्रोफेसर हैं, अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन ये कि कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है कि चलता फिरता सामने आ गया है। और कल सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कल, और इनके बच्चे का नाम भी विवेक है, इनके तीनों बच्चों का। और सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ज्यादा प्राइड के साथ चीज ये कहता हूं हमेशा, शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। और उनका हस्बैंड जो है वह फार राइट से बिलोंग करता है, बल्कि वो कैथोलिक कन्वर्ट उन्होंने किया है। एंड शी वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है, जेडी वाइस। मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूं। कल मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है, हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो। और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। इसी वजह से मैं ऋषि सोनक की रिस्पेक्ट भी करता था, करता रहूंगा, कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। सर, हैरिस बने या ट्रंप बने, रिलेशंस कहां जाने वाले हैं इंडिया और अमेरिका? देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है वो इंटरेस्ट के बेसिस पर होती है, मुल्क की इंटरेस्ट बेसिस, और जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, कोई भी इलेक्ट हो, ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर तो नहीं बदलेगा ओवरनाइट। तो नन ऑफ दैट इज गोइंग टू चेंज। तो ऑन द ब्रॉड स्ट्रोक्स आप कह सकते हैं कि 95% दोनों की फॉरेन पॉलिसीज टूवर्ड्स इंडिया विल बी द सेम। बोथ रिकॉग्नाइज दैट इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडो पैसिफिक में अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों अमेरिका और इंडिया डेमोक्रेसीज हैं, तो एक किस्म से नेचुरल पार्टनर्स और नेचुरल एलाइज हैं, जहाँ पे जो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं वो चाइना ले लें, रशिया ले लें, या ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब अनडेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं। तो इंडिया नेचुरली अमेरिका की तरफ लीन होना चाहिए, बिकॉज इट्स ए डेमोक्रेसी एंड नॉट लाइक रशिया या चाइना। तो ये सारी चीज़ें आर नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इंडिया के लिए, जो प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स की जो इशूज़ हैं, दे आर बिकम ए बिट मोर सीरियस। तो मिसाल के तौर पे मैं, मतलब बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जिधर भी मैं गया, यूरोप ले लें, मिडल ईस्ट ले लें, या साउथ अमेरिका, हर जगह मुझे लोग वे क्रिटिसाइजिंग के अमेरिका के एम्बेसी के लोग स्कूल के करिकुलम तक डिक्टेट करने आ जाते हैं कि आप स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, खासतौर से ऑन द LGBTQ इशू। तो they want to not only dominate you, but आपको basically वो convert भी करना चाहते हैं to democrat, मतलब जो democratic party के जो current values है, they want you to follow those values also. तो कमला हैरिस अगर president बनती है, तो इंडिया के साथ जो military और दूसरे alliances है वो तो चलते रहेंगे, लेकिन इंडिया के inter religious freedom issues, इंडिया की democracy, इंडिया रिपोर्टर्स को कैसा ट्रीट कर रही है, माइनॉरिटीज को कैसा ट्रीट कर रही है, ये लेकर जो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है वो बेसिकली दबाव डाल सकते हैं इंडिया पर। आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे, तो जो ह्यूमन राइट्स की जो शिकायत, वो कमला हैरिस वॉज गिवन दैट जॉब। तो
सो शी वॉज द वन हु स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी अबाउट ह्यूमन राइट्स, बाइडन ने नहीं की, ब्लिंकन ने नहीं की. सो तो बेसिकली ये होगा कि पॉलिसीज तो सिमिलर रहेंगे लेकिन बात करने का ढंग जरा मतलब बहुत याराना रहेगा ट्रंप के साथ मोदी का, कमला हैरिस के साथ इट बी वेरी फॉर्मल विथ अ लॉट ऑफ हाउएवर बहुत ज्यादा चलेगा. देखें आरजू, बात यह है, मैं हमेशा ये पूछता हूँ, हम लोग तो यहाँ आते हैं लूटे पुटे. देखें कहीं से भाग जान बचा के भागना, पॉलिटिकल असाइली होना एक अलग चीज होती है, कहीं पढ़ के आना, वीजे लेकर आना एक अलग बात. मैं हमेशा कहता हूं हमें डायस्पोरा ना कहा करें, हम पॉलिटिकल असाइली हैं. मैं बिल्कुल फिट पड़ता हूं पॉलिटिकल असाइली के डेफिनेशन में. मैं अपनी जान बचा के भागा था और इस कंट्री ने मुझे पनाह दी है. और हर पाकिस्तानी की हालत यही है, जो आधे इस वक्त टर्की के पास डूब जाते हैं समंदर में, आधे जो बच जाते हैं सारे पॉलिटिकल असाइली, वो जान बचा के भागे या पेट भरने के लिए. हम चीप लेबर आते हैं, मजबूरियों से आते हैं, हम तालीम लेने नहीं आते. हमें कंपेयर ना किया करें भारतीय इंडियंस के साथ, वो टेक्नोक्रेट्स हैं. टेक्नोक्रेट्स, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन पॉलिटिकल असाइलीज एंड टेक्नोक्रेट्स. उनके साथ ना कंपेयर किया करें. ये दो प्रोफेसरों की बच्ची है उषा, तो जाहिर है. और दूसरा जो ऋषि सोनक की वाइफ है, वो आपको पता है, वो भी बहुत एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली से उसका रिलेशनशिप है, उसका उनकी बच्ची है वो. लेकिन हमारा इस वक्त, और दूसरी एक बात बताना चाहूंगा अफसोस के साथ, मैं ये तो नहीं कर कहूंगा इस पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अभी तक किसी पाकिस्तानी से, मैंने किसी पाकिस्तानी को इस कन्वेंशन के अंदर नहीं देखा अभी तक, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन मैंने नहीं देखा किसी पाकिस्तानी. और मुझे एक और खासकर दुख है आरजू, मैं कसम से मैं आपको देखता हूं दिल खून के आंसू रोता है कि आपको हमने 1947 में आपके साथ धोखा किया. मैं कहा आप आओ, हम आपको पाकिस्तान देंगे, आओ पाकिस्तान का मतलब क्या, आओ तुम्हें हम इस्लाम देंगे, इधर आओ भाई, नेशन थ्योरी है, तुम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इधर आओ हम लूटेंगे तुम्हें. तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना ज्यादा फर्क है पॉलिसीज में. हालांकि कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक सपोर्ट रहेगा ट्रंप की तरफ से और एक हार्ड लाइनर रहेगी पाकिस्तान की तरफ, ये बात बिल्कुल तय है. आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम. थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए. फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ. टिल देन जय हिंद जय भारत.